हेलो फ्री फायर गेमर्स, वेलकम बैक टू जॉर्डन गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो के अंदर और नए एपिसोड में, जो कि अपना MP5 Top 1 टाइटल पुचिंग इंडिया के लिए। जी हाँ गाइस, वो भी CS रैंक में। तो गाइस, ये अपना एपिसोड दूसरा होने वाला है। जिसने भी एपिसोड फर्स्ट नहीं देखा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख लेना। और ये यार, सॉरी गाइस, मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि यार MP5 भी जो अपने हमारे CS रैंक गेम में बहुत कम आ रही है। देख सकते हैं, एक तो थॉमसन वाला जो अपना गन वेपन वो आता है, और एक MP5 वाला आता है। तो थॉमसन वाले यार मेरे बहुत आते थे, इसलिए MP5 का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, इसलिए आज मैं वीडियो ही अपलोड कर रहा हूँ। तो वीडियो यार पूरी वॉच करना, आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी ये वाली वीडियो। और आपकी कौन सी फेवरेट गन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, इस वीडियो को यहाँ पर अपने स्टार्ट करते हैं और अपना सबसे पहला गेम जो अपने MP5 से है वो लगाते हैं। तो गाइज, ये है मेरा पहला गेम जो कि MP5 जो अपने मैच में आई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक बंदे को नॉक भी कर दिया और इसमें मैंने एक किल भी अपने MP5 से ले लिया था। तो गाइज, यहाँ पे अभी एक ही बंदा बचा था हमारे अपोनेंट टीम में, जिसको मैंने नेट डालकर जो है ख़त्म कर दिया, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं गाइज। तो यहाँ पे दूसरा राउंड उसका स्टार्ट हो जाता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। तो गाइज़, ये राउंड अपना फैक्ट्री का राउंड था, इसमें मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया, उसको पूरा ख़त्म भी कर दिया। इसका एक ही बंदा बचा था, उसको भी मैं मारने के लिए MP5 से दौड़ा। और यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली थी, मैं भी यहाँ पे जा सकता, लेकिन यहाँ पे तुक्के से मैंने अपने दुश्मन को ही, मतलब सामने वाले बंदे को मार दिया। तो यहाँ पे टोटल 3 राउंड हम इस मैच में जीत चुके थे। और सामने आप देख सकते हैं, मैंने नेट करके बंदे को नॉक कर दिया यहाँ पर। और गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं, अभी इनका एक ही बंदा बचा है, एक बंदे को मैंने MP5 से नॉक कर दिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं, इस बंदे को भी मैं MP5 से मार कर, और यहाँ पे हमारा पहला ही मैच जो है बुईया यहाँ पर हो जाता है MP5 से। तो यहाँ पे पूरी प्लस मुझे MP5 की मिल जाती है। ये अपना सेकंड मैच है, जिसमें देख सकते हैं मुझे दूसरे राउंड में जो है MP5 मिल चुकी है। एक बंदे को मैंने यहाँ पर नॉक भी करा, लेकिन यार हेडशॉट नहीं लगा, मेरे गलती से बॉडी डैमेज से मैंने इसको नॉक कर दिया। तो गाइस, चलिए इसको मैं ख़त्म भी कर देता हूँ जल्द से जल्द, ताकि किल मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे देख ही पा रहे हैं आप लोग कि MP5 से हमारा किल हो गया। और यहाँ पे दूसरा राउंड इसका फैक्ट्री पे आ जाता। तो यार ये देख सकते हैं, बंदा ग्लू होल के आर पार ही हो गया, लेकिन मैंने इसको नॉक कर दिया और मैं किल भी इसका ले लेता हूँ यहाँ पर। लेकिन यार अपना जो चौथा राउंड होता है, इसमें मैं रिमनाम मिले जो, इस पर मेरे पे MP5 नहीं होती, UMP होती है। यहाँ पे UMP से एक बंदा मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये अपना दूसरा मैच था गाइस। और दूसरे मैच का भी ये अपना छठा राउंड आ जाता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। इसमें भी मैंने एक MP5 से बंदा नॉक करा और इसको क्लियर भी कर दिया। ये अपना गाइस तीसरा मैच स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मुझे MP5 मिल जाती है थर्ड राउंड के अंदर। और यहाँ पर थोड़ा यार मेरा मैच जो है, थोड़ा गेम थोड़ा यार लैग कर रहा था, इसको इग्नोर करना यार। और यहाँ पे मैंने एक बंदे को किल भी कर लिया अपने MP5 से फर्स्ट किल। और यहाँ पे दूसरे राउंड में अपना जो है, यहाँ पे कैप टाउन का राउंड आया था, इसमें भी MP5 से मैंने बंदे को मार दिया। और गाइज, ये अपना फोर्थ नंबर का मैच है, जिसमें मेरा MP5 तो अभी तक एक भी किल नहीं हो जाकी, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 3 राउंड जीत गए, लेकिन MP5 से एक भी किल नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर फाइनली मुझे एक किल यहाँ पर MP5 से मिल चुका था। पूरी प्लस तो नहीं मिली थी, लेकिन 50-60 प्लस तो यार मुझे MP5 की इस मैच में, चौथे मैच में यार मुझे मिल चुकी थी। तो यहाँ पे बढ़ते अपने पांचवें मैच की तरफ, जो कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। इसमें तीसरा राउंड जो स्टार्ट हुआ अपना हैंगर की तरह, और यहाँ पे एक किल करके मैंने MP5 से इसमें भी किल ले लिया। उसके बाद अपना चौथा राउंड पांचवें मैच में यहाँ पे अपना मिल की साइड की आया, और इसमें भी मैंने MP5 से एक बंदा नॉक कर दिया। हेडशॉट लगा था, पता नहीं इसका बॉडी डैमेज था, तो यहाँ पे हेडशॉट से ही, सॉरी बॉडी डैमेज से ही किल आया। तो यहाँ पे मिल पे दो बंदे बचे, जिसको मैंने एक से नेट से नॉक कर दिया जैसे कि आप देख पा रहे हो, और एक बंदे को MP5 से मार दिया। तो इसमें मुझे यार लगभग पूरी प्लस मिल चुकी थी MP5 में पाँचवें मैच में। और ये अपने स्क्रीन के सामने है सिक्स्थ मैच, जिसमें हमारा एक एक स्कोर हुआ हुआ था CS रैंक में। तीसरा राउंड था, जो कि अपना शिपयार्ड का राउंड था। इसमें मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया पीछे जाकर, और मैं पूरे बंदों के बीच में घुस के रस करके उनसे, उन्हें डोज दे के बच कर उनसे आ चुका था। एक बंदा फिर से मैंने MP5 से यहाँ पर नॉक कर दिया। अब मुझे किल यहाँ पर कन्फर्म करना, तो यहाँ पर मैंने जो अपने साथियों के साथ उन्हें कॉल दिया कि जल्दी से जल्दी आओ और यहाँ पर रश करो। मुझे किल भी यहाँ पर मिल चुके थे अपने MP5 से दोनों वाले। तो यहाँ पे अपना अगला एक ही बंदा बचा था इनका, उसको भी मैंने यहाँ पे MP5 से नॉक कर दिया। तो देख सकते हैं पूरा क्लियर, तो दो किल मुझे इस राउंड में मिल चुके थे। अपना जो है चौथा राउंड आ जाता है इधर रिमनाम विलेज की तरफ, जिसकी मैं पैराफिल से एक बंदे को पूरा क्लियर कर देता हूँ। इसमें बहुत बढ़िया डैमेज दे रही थी पैराफिल। उसके बाद यार MP5 से मैं किल निकालने की कोशिश करता हूँ, तो एक बंदा यहाँ पर सामने होता है, उसको भी मैं ईजिली यहाँ पर नॉक करके जो है उसको पूरा ख़त्म कर देता हूँ। तो मुझे MP5 का यार इसमें भी जो है बढ़िया प्लस मिलने वाला ही था, क्योंकि सिक्स्थ मैच। और ये आखिरी राउंड था सिक्स्थ मैच का, जिसका एक बंदे का नेट गया होता है, और उसको मार के MP5 से मैं यहाँ पर बुईया भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने टोटल सिक्स्थ मैच आपको 6 मैच टोटल इस वीडियो में दिखाया। और तो गाइज़, यहाँ पे आप वेपन ग्लोरी में देख सकते हैं MP5 में मैं अभी उसमें डिस्ट्रिक्ट में ही अटका हुआ हूँ अपनी। लेकिन क्योंकि बात यह है, क्योंकि मैं सारे मैच बुईया नहीं कर पा रहा जिसमें भी MP5 आ रही है, इसलिए यार यहाँ पर अटका हुआ। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द यहाँ पर पुश करने की।